गौहर शाही मरहबा गौहर शाही सरकार की आमद मुर्शिद की आमद चेहरा नूरानी मरहबा जुल्फे मस्तानी मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा जब अल्लाह अल्लाह नस नस में चला गया उस वक्त शाह वली अल्लाह फरमाते हैं तू एक दफा अल्लाह करेगा तुझे 3.5 करोड़ अल्लाह अल्लाह करने का स्वाब मिलेगा। फरमाते हैं कैसे मिलेगा कि तेरे अंदर 3.5 करोड़ नशे हैं, दिल ने एक दफा अल्लाह करी 3.5 करोड़ नशे गूंज उठे। सही सुल्तान लो रहमतुल्लाह फरमाते हैं 72,000 और स्वाब मिलता है अगर एक दफा दिल अल्लाह कहे तो, कि ये जो मसाम होते हैं जहां से पसीना आता है ये 72,000 होते हैं। दिल ने एक दफा अल्लाह करी 72,000 आवाजें यहां से भी गूंजी। फिर इलामा इकबाल ने फरमाया फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। फरमाया जो खुद ही को कर बुलंद इतना और खुदी का मतलब समझाया खुदी का सरे ना ला इलाहा इल्लल्लाह। तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इतना जिक्र कर लोग कहें मजनू हो गया और मुनाफिक कहें रियाकार है। फिर किसी शहर ने भी कह दिया गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर जहद और पारसा देखते रह गए। भाई वो जहद और पारसा कैसे देखते रह गए और गुनाहगार कैसे पहुंच गए। जब जहद और पारसा कोई नेकी करते हैं तो उनकी किताब में वो नेकी दर्ज हो जाती है लेकिन उस नेकी के साथ थोड़ा सा तकब्बुर भी आ जाता है जो सीने में महफूज हो जाता है। यहां इल्म बातन काम आता है लेकिन वहां सिर्फ जोहद है इल्म बातन नहीं है। फिर नेकी करी फिर वो किताब में लिखी गई और थोड़ा सा तकब्बुर दिल में आ गया। अत्ता कि एक दिन ऐसा हुआ कि किताब नेकियों से भर गई उधर वो दिल तकब्बुर से भर गया। जब तकब्बुर से भर गया तो उसके दोस्त भी हैं बुखल है हसद है हिर्स है वो भी उसके साथ आ गए। अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों को देखता है। जब उस जायद पे नजर पड़ी तो वो फैलों को नहीं देखता फैले तो फरिश्तों का काम है। उसने दिल को देखा जब दिल को देखा तो वो तकब्बुर से भरा हुआ बिल्कुल से आ पाया अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया। जब अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया तो उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई उधर वो गुनहगार कैसे पहुंच गए। उन्होंने वो अमले अक्सीर इसमें जात का नुस्खा हासिल कर लिया। जब कोई गुनहगार गुनाह करता है तो उसकी किताब पर भी गुनाह लिखा गया तो उसके दिल पे भी एक दब्बा लगा दिया। अतः कि क्या हुआ कि उसकी किताब भी गुनाहों से भर गई और दिल भी गुनाहों से काला हो गया। अब उसने वो अमले अक्सीर अल्लाह का सीख लिया। हदीस शरीफ है कि हर चीज को साफ करने के लिए कोई ना कोई हथियार है दिल को साफ करने के लिए जिक्र अल्लाह है। उसने अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। जब अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी तो उसके दिल की सफाई होना शुरू हो गई और एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह के नूर से उसका दिल साफ शफाफ हो गया। जब साफ शफाफ हो गया वो किताब को सही नहीं कर सका लेकिन अपने दिल को उसने साफ कर लिया। फिर रब ने कभी उसको भी देखा। जब उसको देखा तो उसके भी दिल को देखा। जब दिल को देखा तो उस पर मेहरबान हो गया। जब उस पर मेहरबान हो गया तो वो फाइल लिखी की लिखी रह गई। और जब कोई शख्स अल्लाह अल्लाह करता है अल्लाह ताला बहुत ही गनी है और उसका दिल भी गनी हो जाता है।
और जो शख्स अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह ताला बहुत ही सखी है और वो भी सखी हो जाता है। जब वो सखी हो जाता है तो किसी वली ने शैतान से पूछा कि तेरा बेहतरीन दोस्त कौन है? वो कहने लगा कंजूस आबद। जो वो कैसे कि उसकी इबादत को उसकी कंजूसी रायगां कर देती है। तो तेरा दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? तो शैतान कहने लगा गुनहगार सखी, कि वो किस तरह कि उसकी सखावत उसके गुनाहों को जला देती है। इस तरीके से गुनहगार पहुंचे दरे पाक पर, जाहिद और पारसा देखते रहे।